हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं चावल आटा राइस फ्लावर के साथ एकदम क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स। ये खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैंने लिया है चावल का आटा, ये 2 कटोरी है, आधा नारियल है, 1 ऑनियन है, प्याज है, नमक है और ये है काला तिल और तेल तलने के लिए। सबसे पहले मैं नारियल, ये गीला नारियल है, इसको खीस ले रही हूँ। खीस के अभी एक मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ खिसा हुआ नारियल, 1 प्याज जिसे मैंने थोड़ा मोटा काट लिया। जनरली इसमें छोटे प्याज का इस्तेमाल किया जाता है बट मैं नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसका एकदम चिकना पेस्ट, जैसे हम लोग चटनी बनाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने लिया है चावल का आटा, एक ये जो कटोरी है इससे मैं 2 कटोरी चावल का आटा ले रही हूँ। अब सेम इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी ले रही हूँ। हम जितना भी आटा लेंगे सेम उसी क्वांटिटी में हमें पानी लेना है। अगर 2 कटोरी आटा है तो 2 कटोरी पानी, और आप 3 कटोरी ले रहे हो तो 3 कटोरी पानी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अभी मैंने गैस के ऊपर रख के गैस ऑन कर दिया, पानी बॉयल हो रहा है और मैं आटे को धीमी आँच पर अच्छे से चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक इसे भून रही हूँ, या तब तक जब तक कि इसमें से हल्की खुशबू ना आए। अब आटा अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ नारियल का पेस्ट डाल रही हूँ। पेस्ट डाल के 2-3 मिनट तक और भुनेंगे धीमी आंच पे। ये जो डिश है ये ट्रेडिशनली एक साउथ इंडियन डिश है, इसे स्पेशली क्रिसमस के अवसर पर बनाया जाता है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून काला तिल्ली और 1/2 टीस्पून जीरा, और गरम किया हुआ मतलब खौलता हुआ पानी बॉयल वाटर डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन नहीं है, ऑफ है। अच्छे से मिक्स करके मैं इसे ढक के 1-2 मिनट तक की रख दूँगी, या तब तक जब तक कि हम लोग इसको हाथ से अच्छे से हैंडल ना कर सके। अभी मैंने इसे ढक दिया है, 2 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ आटा थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मतलब हम लोग इसको हाथ से हैंडल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा बनाना है। इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है आटा हार्ड है, सख्त है, तो 2 टीस्पून या जितना पानी लगता है उतना आप डाल लेना, बट इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। 2 कटोरी आटे के लिए 2 कटोरी पानी सफिशिएंट है। अब इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। मैंने जो छोटा लेमन होता है उस साइज़ के बनाए, आपको जिस साइज़ के बनाने आप उसके अकॉर्डिंग सारे बॉल्स बना लेना। अभी मैंने लिया एक पूरी प्रेशर और एक पॉलीथीन, ये वो पॉलीथीन है जिसमें हम लोग शक्कर या दाल खरीदते हैं, उसको मैंने वॉश करके कट कर लिया है। अब मैंने पॉलीथीन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है, एक बॉल लिया है और उसके ऊपर भी थोड़ा सा और ऑयल लगाया है। अब पॉलीथीन को पलट के इसका मैं एक पतला पूरी बना रही हूँ, हल्के हाथ से दबाते हुए, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल पूरी बनाते हैं। अब ये पतला सा पूरी बन के रेडी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, निकाल के मैं इसको उंगली के ऊपर इस तरीके से रख रही हूँ, रख के दोनों किनारे को हमें जोड़ना है और इसका एक लंबा सा शेप बनाना है। इस तरीके से दोनों किनारे जुड़ गए हैं और ये एकदम सुंदर शेप बन के रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में, मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। ये ट्रेडिशनली इसी तरीके से बनाया जाता है। अभी मैंने इसका पतला पूरी बना लिया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ उंगली के ऊपर और दोनों किनारे को जोड़ते हुए इसका एक लंबा सा शेप बना रही हूँ। बस ये बन गया है, मैं आपको एक और तरीका दिखा रही हूँ। अगर आपके पास पूरी प्रेशर नहीं है तो आप एक आटे का डो लेना, उसको बेलन से बेल लेना थोड़ा सा पतला, उसके बाद धार वाली कटोरी, ग्लास या कुकी कटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे इस तरीके से गोल शेप में कट कर लेना और किनारे निकाल लेना। निकाल के अब इसको हम लोग लेते हैं उंगली के ऊपर और इसके दोनों किनारे जोड़ के इस तरीके से हम लोग इसको शेप देंगे। बस आपको मैंने दोनों तरीके दिखाए हैं, आपको जो भी तरीका ईजी लगता है उस तरीके से आप सारे रोल्स बना के रख लेना। अब सारे रोल बन के रेडी हैं, मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे हम लोग इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने एक एक करके डाला है, डालते समय तेल गर्म था, फिर उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। अब इसको वेट करना है, जब ये तेल के ऊपर तैरने लगेगा उसके बाद ही इसे चम्मच से पलटते हुए हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तब तक जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं या हल्के से ब्राउनिश नहीं हो जाते हैं। ये जो डिश है बहुत ज़्यादा टेस्टी है
और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। अगर आपको कुछ डिफरेंट स्नैक्स बनाने का मन कर रहा है तो चावल आटे के साथ आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देख सकते हैं स्नैक्स काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ किचन टावल के ऊपर और इसी तरीके से बाकी सारे स्नैक्स को भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसे बना के एयरटाइट कंटेनर में रखना ज़रूरी है, अदरवाइज ये नरम पड़ जाएंगे, और इसे बना के 15 दिन तक की स्टोर कर भी रख सकते हैं। अब आप भी ये टेस्टी स्नैक्स बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।